नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम। मैं आरजे उद्धव आप सभी का आज के कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। चलिए बढ़ते हैं आज के अपडेट की ओर। आज की पहली अपडेट है विज्ञान के बारे में। एडोब ने बेहतर ग्राहक अनुभव के लिए जेनरेटिव से ही जेनई लॉन्च किया। सॉफ्टवेयर प्रमुख एडोब ने अपने एक्सपीरियंस क्लाउड में नए जेनरेटिव एआई नवाचारों की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य व्यवसाय को ग्राहक अनुभव प्रदान करने के तरीके को फिर से परिभाषित करना है। कंपनी ने एडोब समिट के दौरान कहा कि एडोब एक्सपीरियंस क्लाउड में ग्राहक सेंसई जेनई सेवाओं और मौजूदा सुविधाओं के बीच निर्बाध रूप से स्थानांतरित करने में सक्षम होंगे। सेंसई जेनई के साथ विपणक और अन्य ग्राहक अनुभव टीमों के पास अपने कार्यभार को बढ़ाए बिना अपनी उत्पादकता बढ़ाने में मदद करने के लिए एक सह पायलट होंगे। है अगले अपडेट की ओर। यह अपडेट है रैंक के बारे में। क्यूएस रैंकिंग आईआईटी दिल्ली इंजीनियरिंग के लिए शीर्ष 50 संस्थानों की सूची में है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 22 सब्जेक्ट 2023 ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली को शीर्ष 50 इंजीनियरिंग संस्थानों में नामित किया। विभिन्न विषयों में भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा पेश किए गए 44 कार्यक्रम विश्व स्तर पर शीर्ष 100 में शामिल है। पिछले साल की रिपोर्ट के अनुसार 35 भारतीय कार्यक्रमों ने शीर्ष 100 में जगह बनाई। भारतीय संस्थान दिल्ली विश्वविद्यालय अधिकतम प्राविष्टियों के साथ अग्रणी है, जिसके बाद भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे और IIT खड़गपुर है। बढ़ते हैं अगले अपडेट है विज्ञान के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन AI के डेल ई द्वारा संचालित बिंग इमेज क्रिएटर पेश किया। माइक्रोसॉफ्ट ने नए बिंग एज प्रीव्यू में एक नया फीचर बिंग इमेज क्रिएटर ओपन AI के डेल ई मॉडल के उन्नत संस्करण द्वारा संचालित पेश किया है, जो उपयोगकर्ताओं को उस तस्वीर का वर्णन करने के लिए अपने शब्दों का उपयोग करके एक छवि बनाने की अनुमति देता है जिसे वे देखना चाहते हैं। इसके अलावा कंपनी ने कहा जल्द ही एज के प्रीव संस्करण में चैट मोड में नए बिंग बटन से इमेज क्रिएटर को एक एज में एकीकृत करेगी। नए इमेज जनरेटर के साथ बिंग को दो नए सर्च फीचर्स मिल रहे हैं, विजुअल स्टोरीज और नॉलेज कार्ड 2.0 है। बढ़ते हैं अगली अपडेट है राष्ट्रीय के बारे में। भारत का लक्ष्य 2030 तक ग्रीन शिप का वैश्विक केंद्र बनना है। केंद्रीय बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि भारत का लक्ष्य 2030 तक ग्रीन शिप का वैश्विक केंद्र बनना है। भारत के पहले नेशनल सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग का उद्घाटन करते हुए सोनोवाल ने आगे कहा कि 2025 तक सभी प्रमुख बंदरगाहों में शुरुआती ग्रीन टक्स से काम करना शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। टक्स विशेष नौकाएं हैं जो बंदरगाह के अंदर और बाहर अन्य जहाजों की सहायता करती है। ग्रीन हाइब्रिड टक्स को ग्रीन हाइब्रिड पोपलेन सिस्टम द्वारा संचालित किया जाएगा और बाद में गैर जीवाश्म ईंधन समाधानों जैसे मेथनॉल, अमोनिया और हाइड्रोजन को अपनाया जाएगा। अगली अपडेट है समझौता के बारे में। L&T ने इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण के लिए फ्रांस स्थित मैकाफी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। EPC परियोजनाओं, हाईटेक, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज में लगी एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी लार्सन एंड टूब्रो ने उभरते ग्रीन हाइड्रोजन बाजार में सामने आने वाले अवसरों का पता लगाने के लिए दीर्घकालिक साझेदारी के लिए फ्रांस स्थित अग्रणी इलेक्ट्रोलाइजर प्रौद्योगिकी और विनिर्माण कंपनी मैकाफी एनर्जी के साथ इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण बाध्यकारी समझौता किया है। इस साझेदारी के तहत मैकाफी भविष्य के उत्पाद उन्नयन सहित इलेक्ट्रोलाइजर के निर्माण के लिए L&T को अपनी प्रेशराइज इलेक्ट्रोलाइन इलेक्ट्रोलाइजर टेक्नोलॉजी का एक विशेष लाइसेंस प्रदान करेगा। अगली अपडेट है रक्षा के बारे में। GRSE ने लॉन्च किया मोस्ट साइलेंट शिप INS एंड्रोथ। INS एंड्रोथ 8 एंटी सबमरीन वारफेलर शेलो वाटरक्राफ्ट की श्रृंखला में दूसरा कोलकाता में लॉन्च किया गया था। इसे कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा बनाया गया है। ये जहाज तटीय जल और विभिन्न सतह प्लेटफॉर्म की पूर्ण पैमाने पर उपसहत निगरानी और विमानों के साथ समन्वित SW संचालन में भी सक्षम है। ये जहाज आकार में छोटे हो सकते हैं लेकिन एक घातक शक्ति करने में सक्षम है। GRSE ने एक प्रेस बयान में कहा एंड्रोथ और इसके साथ ही शिल्प को पतवार माउंटेड सोनार और एक लो फ्रिक्वेंसी वेरिएबल डेप्थ सोनार के साथ फिट किया जाएगा। अगले अपडेट है अर्थव्यवस्था के बारे में। अश्विनी ग्रोवर ने क्रिकेट फैंटेसी स्पोर्ट ऐप क्रिक पे लॉन्च किया। शॉर्टकट इंडिया के पूर्व जज और भारत पे के सह संस्थापक अश्विनी ग्रोवर ने नए उद्यम थर्ड यूनिकॉर्न में क्रिप के नामक एक क्रिकेट केंद्रित फैंटेसी स्पोर्ट ऐप लॉन्च किया। अश्विनी ग्रोवर ने अपने उद्यम थर्ड यूनिकॉर्न प्राइवेट लिमिटेड के लिए लगभग $4 मिलियन सीड फंडिंग जुटाई है।
फंडिंग राउंड में अनमोल सिंह जग्गी, अनिरुद्ध केड़िया और विशाल केड़िया सहित दो दर्जन से अधिक एंजल निवेशकों ने भाग लिया। गौर करने वाली बात है कि क्रिकेट ऐप को ड्रीम 11 मोबाइल प्रीमियर लीग और गेम्स 24/7 के माई 11 सर्कल जैसे प्रतिद्वंदियों को टक्कर देने के लिए लॉन्च किया गया है। अगली अपडेट है राष्ट्रीयता के बारे में। राष्ट्रपति सीसी की भारत की यात्रा के कुछ हफ्तों बाद मिस्र बिक्स बैंक में नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अली सीसी के गणतंत्र दिवस समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में भारत की यात्रा करने के कुछ सप्ताह बाद मिस्र बिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हो गया है। अफ्रीकी अरब राष्ट्र 20 फरवरी को NDB का सदस्य बन गया। हालांकि 22 मार्च को एक औपचारिक अधिसूचना जारी की गई थी। विकास से अवगत लोगों के अनुसार उन्होंने कहा कि मिस्र अपने बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने की योजना बना रहा है और NDB फंडिंग बड़े पैमाने पर योगदान दे सकती है। इसमें अमेरिकी डॉलर की मांग को कम करने की संभावनाओं को देखते हुए मिस्र के सांसदों ने समझौते का स्वागत किया था। अगली अपडेट है राष्ट्रीय के बारे में। आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए मोबाइल ऐप IIS लॉन्च किया है। आयकर विभाग ने करदाताओं को वार्षिक सूचना विवरण या करदाता सूचना ब्यौरा में अपनी कर संबंधी जानकारी देखने में मदद करने के लिए एक मोबाइल ऐप का अनावरण किया है। नया करदाताओं के लिए AIS ऐप महत्वपूर्ण और मददगार हो जाता है क्योंकि 1 अप्रैल को आगामी नए वित्त वर्ष से शुरू होने वाले फॉर्म 26AS में केवल स्रोत पर कटौती एवं स्रोत पर कर संग्रह से संबंधित डेटा प्रदर्शित होगा। AIS बैंकों या पंजीकरण कार्यालयों से प्राप्त डेटा में विसंगतियों के मामले में प्रतिक्रिया प्रदान करने का विकल्प भी प्रदान करता है। अगली अपडेट है अर्थव्यवस्था के बारे में। केनरा बैंक ने रूसी संयुक्त उद्यम में SBI को 121 करोड़ रुपए में हिस्सेदारी बेची। बैंक ने कहा कि उसने रूसी संयुक्त उद्यम कॉमर्शियल इंडो बैंक LLC में अपनी हिस्सेदारी अन्य उद्यम भागीदार भारतीय स्टेट बैंक को लगभग 121.29 करोड़ रुपए में बेची है। CIBL की स्थापना 2003 में हुई थी और यह रूस से SBI और केनरा बैंक का संयुक्त उद्यम है। केनरा बैंक ने शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कहा कि उसे अपनी हिस्सेदारी की बिक्री के लिए 121.29 करोड़ रुपए के बराबर की पूरी राशि मिल गई है। बेंगलुरु स्थित सरकारी बैंक ने 11 नवंबर 2022 को बिक्री के लिए समझौता किया था। प्यारे दोस्तों, हमारा डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। मैं RJ उद्धव इस कार्यक्रम में आप सभी से लेता हूँ इजाजत। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो MPSC गुरु, स्प्रेडिंग द नॉलेज पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम एकेडमी। धन्यवाद।